हेलो एवरीवन, टीचिंग जॉब समर चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पे डेली बेस पे जितने भी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है वो मैं अपलोड करता हूँ, एंड हम लोग का एक फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे मैं डेली अपडेट करता हूँ जितना भी टीचर्स का वैकेंसी होता है ऑल ओवर इंडिया। सो आप लोग उस लिंक पे आप लोग इजीली जुड़ पाएंगे फॉर द लेटेस्ट अपडेट, लिंक इन द गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो। आज का जो वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, जो कि परमानेंट जॉब है। यहाँ पे आप लोग इजीली अप्लाई कर सकेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। और ये कहाँ से आया है? राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड रिक्रूटमेंट से आया है। सैलरी बहुत ही अच्छा प्रोवाइडेड दे रहा है, 40,000 दे रहा है। एनी ग्रेजुएट एंड प्लस 12 भी अब यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नो फी फॉर वुमेन एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए आप लोग इजीली यहाँ पे नो फी, मतलब आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना नहीं है। सो बाकी डिटेल्स देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आप लोग का लेके आ गया है, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल बोर्ड जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। डायरेक्ट नोटिस सेक्शन में आप लोग चल जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन NBEMS ऑन रेगुलर बेसिस। तो इस मेल आई डी, इस लिंक पे अगर क्लिक कर देंगे तो आप लोग को एक PDF ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग इजीली देख पाएंगे कि क्या क्या डिटेल्स है कि नहीं है, कौन कौन सा पोस्ट है, कितना सैलरी प्रोवाइडेड है, एवरीथिंग इस PDF में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पहले आप लोग देख लीजिए कि डेट क्या क्या है। हम लोग का ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म हम लोग पहले देख लेते हैं। ओपनिंग डेट जो है 15/7 से शुरू हो रहा है, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 14/8 को ख़त्म हो जाएगा, मतलब लगभग 1 मंथ का समय है। तो आप लोग इजीली टाइम लेके आप लोग इजीली इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी है। फर्स्ट वैकेंसी जो है हम लोग को यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट के लिए जो एक वैकेंसी बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट्स के लिए भी है। उसके बाद और एक जो वैकेंसी है वो हम लोग का आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जूनियर अकाउंटेंट, मतलब आप लोग के यहाँ पे 3 टोटल वैकेंसी है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। सीनियर असिस्टेंट्स के लिए टोटल 8, जूनियर असिस्टेंट्स के लिए टोटल 30 वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी टोटल 4 वैकेंसी है। उसके बाद आप लोग अपना अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख ले, सभी के लिए लगभग आप लोग का ग्रेजुएशन चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर क्लास आप लोग का 12 पास हो जाएगा तो आप लोग इजीली एप्लीकेबल हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे और कुछ और भी कुछ डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे देख लीजिए जो टेबल फॉर्मेट में है, सीनियर असिस्टेंट्स के लिए लेवल पे 7, मतलब बहुत ही अच्छा सैलरी दे रहा है, लगभग 60,000 के आसपास हो सकता है। जूनियर असिस्टेंट्स के लिए भी लेवल 2 एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी लेवल 4 सैलरी प्रोवाइडेड हो जा रहा है, तो जो कि बहुत ही अच्छा वैकेंसीज है। जिन लोग क्लास 12 में पास आउट हुए हैं उसके बाद उन लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का एज रिलैक्सेशन का कुछ है, यहाँ पे एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स है, उसके लिए ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, एंड पीडब्ल्यूडी जिन लोग जनरल में हैं लेकिन पीडब्ल्यूडी में हैं उन लोग 10 ईयर्स का वैकेंसीज 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीडियर है वो थोड़ा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 में आप लोग को पहले एक CBT एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे हम लोग का जनरल मैथ, जनरल साइंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब बेस्ड का एक 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। लेवल पेपर एकदम इजी रहेगा। उसके बाद स्टेज 2 में एक कंप्यूटर बेस्ड ऑडिट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट में इजीली आप लोग को मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद। यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइडेड है, उस लिंक पे आप लोग इजीली देख पाएंगे। ये वाला जो लिंक है, ये लिंक में आप लोग इजीली एक मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि कैसा टाइप का एग्ज़ाम हो सकता है, इवन कैसा पैटर्न में एग्ज़ाम आएगा वो भी आप लोग इजीली देख पाएंगे। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप लोग 1x1 आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो मेन जो चीज़ है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, दैट मींस आप लोगों को यहाँ पे एस बिकॉज ए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है एंड परमानेंट पोस्ट है, फॉर दैट रीज़न आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द एप्लीकेशन। यहाँ पे जनरल के लिए 1500 रुपये आप लगेगा प्लस GST चार्जेस, एंड SC ST W के लिए आप लोग को नील, मतलब कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, जो कि SC ST के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड उसके बाद डेट एंड टाइम, एडमिट कार्ड, ये सभी आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। उसके बाद फिजिकल फिटनेस भी कुछ रहना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग को 15 जुलाई के बाद आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग को एक लिंक प्रोवाइडेड हो जाएगा, आप लोग वहाँ से इजीली अप्लाई कर पाएंगे। एंड आप लोग को एक वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए, उस वैलिड मेल आईडी से आप लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और भी कुछ यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए आप लोग को यहाँ पे जो चीज़ है,
जैसे फर्स्ट थिंग इज ये हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके बाद मैंडेटरी क्या है, रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब अप्लाई करने के लिए ये कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को मैंडेटरी रहेगा ही। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक जो मेन चीज़ है आप लोगों को यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, जैसे नंबर वन में लिखा गया है कि कैंडिडेट रिक्वायर टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, मतलब आप लोग अगर सिर्फ ऑनलाइन बेस्ड ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर नो अदर मेथड कैन बी एक्सेप्टेबल। उसके बाद और भी जो जो वैकेंसीज है आप सॉरी और भी जो जो स्टेप्स है वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। पेमेंट के लिए आप लोग कार्ड, बैंकिंग, एटीएम थ्रू, यूपीआई थ्रू, कुछ कोई भी से भी आप लोग इजीली कर पाएंगे। और एक तो जो मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो डेट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले आप लोग और एक बार देख लीजिएगा, एज बिकॉज डेट अगर मिस हो जाएगा तो ये आप लोग वैकेंसी नहीं दे पाएंगे। 15 जुलाई जो डेट है हम लोग का, उस डेट के बाद ही हम लोग का ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग को इजीली मिल जाएगा कि क्या क्या है कि नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स। मैं ये पीडीएफ में आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ, सो आप लोग इजीली यहाँ पे देख पाएंगे फॉर द अपडेट एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया इसलिए मैंने आपको थोड़ा विस्तार से बताया। एंड और भी मैंने आज 2-3 KVS का भी कुछ वीडियोस अपलोड किया है, APS का भी कुछ वीडियोस अपलोड किया है, सो आप लोग देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे है ऑलरेडी। सो एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट, थैंक यू एवरी वन, थैंक यू।